दिन भर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के बाद शाम को राहुल जब मीडिया के सामने आए तो पत्रकारों ने उनसे आदर्श घोटाले की रिपोर्ट पर सवाल दागे। राहुल ने भी अपने जवाब से साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर है और वो इसके लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। आई डोंट myself agree with that decision. I think they should reconsider that decision. That's my personal opinion. And as far as my party is concerned, we are dead serious about it. As far as the Maharashtra issue is concerned, I've told you my view. There's no question of protecting anybody. ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। हाल के दिनों में राहुल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मसलों को कई बार प्रमुखता से उठाया है। भ्रष्टाचार पर विपक्ष पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केवल लोकपाल बिल पास कराने से सफलता नहीं मिलेगी। राहुल ने कहा कि इस लड़ाई के लिए एक बड़े ढांचे की जरूरत है जिसके लिए कई कानून पास कराने होंगे। There is only one party that is talking about a framework. Everybody else is talking, but nobody is actually showing the path forward. You want to fight corruption in this country? Well, create a mechanism to fight corruption. Okay, what is that mechanism? There are bills sitting in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Please pass those bills. Now I've already said that we are committed to that. बैठक में मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने फौरन ही राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा वो इस मामले में सहयोगियों से चर्चा करेंगे। आदर्श घोटाले की जांच के लिए बने दो सदस्यों वाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट में नियमों के उल्लंघन के लिए तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत राज्य के कई बड़े नेताओं पर उंगली उठाई थी। राज्य की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। नरेंद्र मोदी के बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार करके राहुल ने साफ कर दिया कि 2014 की कांग्रेस की चुनावी रणनीति में लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लालचंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।